चढ़ाने का काम किया, उनकी रखी। हमने भी कहीं कोई विरोध नहीं किया, किया हो तो कोई बताए। उसका परिणाम ये रहा कि इनका एकमात्र विधायक हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का दरवाजा देख पाया, परंतु घमंड में चकनाचूर होकर के जहां अपनी चौटाला साहब की बात को भी सर्वसत्यानाश किया, आज 86 साल की उम्र में फिर बस में बिठा दिया और वो गांव गांव में आपके बीच में वोट मांगते हुए घूम रहे हैं। गुजर गोर नौजवान दोस्तों, इसी घमंड की वजह से सारा का सारा सत्यानाश करने का काम अगर किसी ने किया तो वो आपके ही विधायक की जिम्मेवारी थी। हमने तो जब पार्टी बाई फिरकेट हुई तब जींद की एक जनसभा में कहा था कि भाई ये पार्टी भी आपकी, झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, ये चुनाव निशान भी आपका, पार्टी का फंड भी आपका, ये 20 विधायक भी आपके और 27% जो पार्टी को वोट मिले हैं वो भी आपके, आप इन्हें संभाल करके रख लेना। परंतु क्या संभाल करके रख पाए क्या? आपके सामने 27% वोट से घट करके तो आ गई 1.8% वोट पे, और वो 0.8 तो इलाहाबाद वालों ने दे दिए, बाकी हरियाणा प्रदेश में तो नोटा से भी कम 1% वोट मिले थे। ये हालात किसने बनाए? आपके बीच में 20 विधायक थे, अपोजिशन के लीडर थे, आज संख्या घट करके 1 रह गई। और मैं थोड़े दिन पहले कहा करता था कि थोड़े दिन के बाद में पूछोगे कि 1 होती थी इनेलो, आज तो वो 1 भी नहीं, 0 हो गई। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। बात घमंड से और मैं से नहीं चलती, हम में ताकत होती है। हम अगर संगठित हैं तो हम तो अपनी ताकत के बलबूते पर जमीन के जर्रे को उठा करके आसमान के चांद और सितारों में बदलने की हैसियत भी रखते हैं। हम अगर संगठित हों तो आसमान के चांद और सितारे तोड़ करके आपके कदमों में बिछाने का काम भी कर सकते हैं। मैं तो रावण की भी नहीं बची, किसी की बची हो तो बताएं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आपके सामने दूसरी तरफ आपने 33 साल की उम्र में एक होनहार नौजवान को स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और सहयोग दिया। उसने हरियाणा प्रदेश में आपके आशीर्वाद से 10 विधायक जीत करके हरियाणा प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मिलकर के सरकार का गठन करने का। और आपके बीच में जो बातें अपने चुनाव घोषणा दोनों मिलकर के हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में कानूनी रूप से उन्हें कानूनी अमलीजामा पहनाने का काम कानून बना करके कर रहे हैं। चाहे वो हरियाणा प्रदेश के नौजवान को 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने की मांग हो, चाहे वो माताओं और बहनों को 50% पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी देने का मामला हो, चाहे वो 30% आपके गांव के राशन डिपोज में महिलाओं को हिस्सेदारी देने का मामला हो, चाहे वो 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी देने का मामला हो, इस तरह की अनेक बातें विधिवत रूप से कानूनी जान बना करके कानूनी अमली जामा उन्हें पहनाने का काम किया जा रहा है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आप लोग जब वोट डालने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि भविष्य में किसकी सरकार बनेगी। हम अपने विधायक के लिए तो वोट करते हैं, परंतु सरकार किसकी बनेगी इस बात का पता नहीं होता। परंतु आप तो खुशकिस्मत हैं, आपको तो सीधे तौर पे 1 वोट डालने से चुनी चुनाई सरकार 3 साल के लिए मिलने जा रही है। 30 तारीख को आप लोग संगठित होकर के गठजोड़ के सांझे प्रत्याशी अजीज गोविंद कांडा के चुनाव निशान, कमल के निशान का बटन दबाने का काम करेंगे और 30 तारीख से ही राज में आप तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे आपकी दिवाली शुरू हो जाएगी। 4 तक लगातार दिवाली मनाने का काम करना और फिर आपको